अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं रबड़ी केक। बना रहे हैं रबड़ी केक। ये देखिए, मैंने गैस पे ये तपेली रखी है और उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। कि हम पहले पानी डालेंगे ना तो हमारा दूध नीचे लगता नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नीचे जल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने ली हूँ 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर दूध डाल रही हूँ और हमें इसको अच्छे से गर्म करना है। दूध को हिला हिला के उसको खड़े रखे यहीं पे हिलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लगे और हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। हमें दूध को गाढ़ा करके इसको बनानी है हमें रबड़ी। ये इस तरीके से हमें घुमाते ही रहना है दूध को। कम से कम ये हमारा 1 लीटर दूध 1/2 लीटर बन जाए, इतना हमें इसको पका लेना है। में डालने के लिए ये हमने काजू, पिस्ता, बादाम और ये इलायची पाउडर, ये 1 प्याली शक्कर ली हैं। और रबड़ी बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये काजू, बादाम, पिस्ते को हमें कूटना है, हल्का सा मिक्सर में घुमाना है ताकि वो थोड़े से टुकड़े बन जाए। ये देखिए, हमारे दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। ये हमारा दूध पक पक के अभी कम हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। अभी हमें इसमें डालना है इलायची पाउडर। ये देखिए, ये इलायची पाउडर डालना है और इसमें जाएगी ये हमारी 1 प्याली शक्कर, ये रबड़ी बनाने के लिए। और हमें अच्छे से इसे घुमाना है ताकि हमारी शक्कर भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, शक्कर भी हमारी अच्छी सी घुल गई है और दूध हमारा पक गया है। और ये जो साइड साइड में हमारा दूध लगता है, इसे भी हमें अच्छे से ऐसी सफ़ा कर करके इसी के अंदर मिक्स करना है। ये जो बाजू की मलाई लगती है, ये मलाई को भी हमें इसी में, दूध में ही मिक्स करना है। ये देखिए, अभी हमने काजू, बादाम दरदरा से कूट लिया है। अभी ये आधा हम डालेंगे दूध में और आधा रख देंगे गार्निश करने के लिए। ये देखिए, आधा हम दूध में डाल देंगे। अभी इसको अच्छे से हमें पकाना है। और ये देखिए, रबड़ी केक बनाने के लिए हमें लगेंगे ये ब्रेड। हमें ब्रेड की किनारियों को काट लेना है। ये देखिए, हमारा दूध पक पक के अभी हो गया है कम और गाढ़ा हो गया है। अभी हमें इसमें डालना है ये कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर दूध में डाल दी हूँ और इसमें डालना है हमें ये कस्टर्ड। ये देखिए, वेनिला कस्टर्ड है ना, ये भी हमें 1 चम्मच डालना है। डाल के हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमें ये पकते हुए दूध में डालना है। ये देखिए, मैंने कस्टर्ड 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे हम और कॉर्नफ्लावर डाल दी हूँ मैंने दूध में और हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्सर करके और हमें इसको डालना है पकते हुए दूध में, धीरे धीरे स्लो स्लो से डालना है। एक साथ पूरा हमें नहीं पलटी करना है। ये देखिए, अभी हम डालेंगे दूध में। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको लगातार हमें चलाते रहना है, क्योंकि अभी हमने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड डाल दिया तो अभी इसमें दूध में गाढ़ापन आ गया, तो अभी हमको इसको चलाते ही रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा। ये हमारी अभी रबड़ी बनके हो रही है तैयार, बस अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। हमें 2 मिनट इसको और पका लेना है। ये देखिए, मैंने ये 1/2 प्याली दूध ली हूँ और ये दूध में हमें डालना है 2 चम्मच शक्कर। शक्कर डाल के हमें इसको अच्छे से पिघलाना है। ये हमें शक्कर को अच्छे से पिघलाना है दूध में। ये हमें ब्रेड के ऊपर डालना है। मैं बताती हूँ ये दूध हमें कब काम में आएगा। शक्कर बहुत मोटी है इसलिए अच्छे से पिघलानी है। थोड़ी देर ना पिघल जाएगी, ये ठंडा हुआ है। ये देखिए, इधर अभी हमारा दूध और पक रहा है। जितना गाढ़ा हो जाए हमारी रबड़ी उतनी अच्छी बनती है।
ये हमारी शक्कर पिघल गई है। अभी हमें रबड़ी ठंडी करने के लिए रखना है। ये देखिए, ये रबड़ी मैंने अभी एक बॉल में निकाली हूँ, अभी इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए हमारी रबड़ी ये ठंडी हो गई, थोड़ी सी गुनगुनी रहनी चाहिए, पूरी भी ठंडी नहीं करना है। ये देखिए हमारी रबड़ी हमने ठंडा कर ली है, और ये कढ़ाई में हमको इसमें केक जमाना है। ये देखिए ब्रेड की किनारियाँ सब मैंने काट ली हूँ, और ये ड्राई फ्रूट जो हमने काट कट करके रखा था, और ये दूध है इसमें शक्कर मिक्स करके रखी है। चलिए अभी हम इसके अभी लेयर जमाते हैं केक की कढ़ाई। ये देखिए हमें अभी पहला इसमें कढ़ाई में हमें डालना है रबड़ी। ये हमें अच्छे से इसमें पहले नीचे रबड़ी की लेयर रहेगी हमारी, ये रबड़ी की लेयर हो गई। अभी हमें इसमें रखना है ब्रेड हमारे, ये जो हमने किनारियां कट किए थे वो ब्रेड इसमें हमें रखना है। हम कंटेनर में कोई भी प्लास्टिक का डब्बा होता है, हमारे पास चार कोनी होता है, जैसे होगा हमारे पास उसमें हम जमा सकते। ये देखिए ये साइड साइड में, एक साइड में थोड़ी सी जगह है, तो मैंने हाफ ब्रेड काट के इसको भी रख दी हूँ। अभी इसके ऊपर से जाएगा जो हमने शक्कर मिलाकर दूध रखा था, ये दूध इसके ऊपर जाएगा। ये इस तरीके से हमें ये दूध ब्रेड के ऊपर डालना है। ये एक लेयर हो गई हमारी, अब ये फिर हमें इस पर डालना है रबड़ी। ये हाफ वाले ब्रेड पे भी डालना है। ये ब्रेड पूरे हमारे रबड़ी में डूब जाना चाहिए। अभी फिर से हमें एक लेयर जमानी है ब्रेड की। अभी फिर हम इस पे डालेंगे दूध। ये हमारे ब्रेड नरम होने के लिए हमें इस तरीके से इस पे दूध डालना है। अभी वापस हमें डालना है इसके ऊपर रबड़ी। अच्छे से फैला के हमें रबड़ी डालना है, ताकि सारे ब्रेड हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मीठे हो जाए। अभी एक लेयर हमें फिर से डालना है ब्रेड की। ख़त्म हो गई। हर बार हमें एक एक लेयर पे ब्रेड के ऊपर भी रबड़ी डालना है, और हल्का सा हमें दूध भी डालना है। और रबड़ी थोड़ी और गाढ़ी बनना चाहिए। आप लोग जब भी बनाएं थोड़े रबड़ी को गाढ़ी बनाइए। अभी मुझे टाइम कम था, इस वजह से हमारी रबड़ी थोड़ी सी हल्की सी ये पतली बन गई है। ये देखिए ये हमने सब लेयर जमा दिए, हो गया अभी हमारा ये रबड़ी केक तैयार। अभी हमें ये गार्निश के लिए काजू बादाम हमें ऊपर से डालने हैं। अभी इसको हम फ्रिज में रखना है कम से कम एक घंटे के लिए, फ्रीज़र में रखना है। खाने से हमें एक 15-20 मिनट पहले निकालना है, निकाल के इसको थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसके कट करेंगे इसको। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए और बताइए हमारा रबड़ी केक कैसा बना है।